हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि न्यू ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा बहुत तेज गति से की जा रही है, और जिसका लाइव स्ट्रीम आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह आज मॉर्निंग की तस्वीरें हैं, और यह जो है दोस्तों न्यू ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन जहां पर बनाई जा रही है उसकी तस्वीरें हैं दोस्तों। तो आपको मैं पहले यह बात क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों कि जो अपना पहले का ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन था, जहां पे मीटर गेज की ट्रेनें रुकती थी, उसके पहले सनावत की ओर यह जो रेलवे स्टेशन है, नया ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, और यह ठीक इंदौर इच्छापुर जो हाईवे है दोस्तों, अभी तत्काल में उसके साइड से यह बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर दीवारें खड़ी कर दी जा रही है, ताकि न्यू ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का जो निर्माण कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में जो जगह है वहाँ पर दो लूप लाइन और एक मेन लाइन आएगी, यानी यह जो ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का नया भवन बन रहा है दोस्तों, और जो नया रेलवे स्टेशन बनेगा वहाँ पर दो प्लेटफॉर्म रहेंगे जिसको लूप लाइन से जोड़ा जाएगा, और एक मेन लाइन रहेगा जिससे मालगाड़ी को थ्रू निकाला जाएगा। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं कि यह खंडवा और इंदौर रोड है, और उसके साइड से नया ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। यह जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वह ओंकारेश्वर के जो करंट वर्तमान में रेलवे स्टेशन है उसके पहले जो रेलवे गेट पड़ता है दोस्तों, उसके पहले मोरघड़ी के पास बनाया जा रहा है। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य के लिए जो काम है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, ब्रॉडगेज रेल लाइन डालने के लिए जो सनावत से ओंकारेश्वर के बीच में लेबलिंग वगैरह का काम किया जा रहा है। आपको पता है दोस्तों कि खंडवा इंदौर ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के तहत खंडवा से सनावत तक ब्रॉडगेज का काम पूरा हो चुका है, और सनावत से महू ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के तहत महू आपके जो ओंकारेश्वर और सनावत के बीच यह काम चल रहा है। और आपको पता है दोस्तों कि जो न्यू ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है उस पर ब्रॉडगेज की पटरियां डालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर स्लीपर, सीमेंट के जो स्लीपर होते हैं जिस पे ट्रैक को डाले जाते हैं, वह लाकर रख दिया है गया है। और जो पटरियाँ थी दोस्तों, तो वो मीटर गेज की पटरियाँ थी, ब्रॉडगेज के लिए नया पटरी आएगा। तो आइए दोस्तों, आप दिखाते हैं कि ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है नया जगह, उसकी लंबाई कितनी होने वाली है। तो इसकी लंबाई है जो दोस्तों 1 से 1.5 किलोमीटर रहने वाली है, और जो पुराना रेलवे स्टेशन था दोस्तों उसको अगर एक्सटेंड किया जाता ब्रॉडगेज के तहत, तो सामने नर्मदा नदी थी और दूसरे तरफ पहाड़ है दोस्तों, तो और एक तरफ रेलवे गेट आ रहा है, तो इस कारण जो है दोस्तों इसको थोड़ा सनावत की ओर शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ पर ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, यह पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह ओंकारेश्वर का नया रेलवे स्टेशन जो बनाया जा रहा है, इंदौर इच्छापुर जो हाईवे है दोस्तों उसके साइड से बनाया जा रहा है, सनावत और ओंकारेश्वर के बीच में यह बनाया जा रहा है, जो सनावत और ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।